स्टूडेंट्स, कल अपन ने एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन वाली यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रिडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, जिसमें अपन ने कि रिडक्शन कैसे कैसे होता है, किन किन प्रोसेस से होता है, कि रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अपन ने एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन देखा था। तो इसमें अपन ने दो टाइप की जो पढ़ी थी, एक तो थी हाइड्रोजिनेशन, दूसरा था हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि जिन दो कार्बन एटम्स के बीच में अनसैचुरेशन होता है उन दोनों कार्बन एटम्स पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, लेकिन हाइड्रोजिनोलाइसिस में वो बॉन्ड भी ब्रेक होता है हाइड्रोजन के एडिशन के साथ साथ। अब देखो, आज अपन देखते हैं, फिर अपन ने ये जो हाइड्रोजिनेशन था, हाइड्रोजिनेशन अपन ने देखा था कि अगर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है अनसैचुरेटेड कार्बन्स पर, तो उसे अपन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कह रहे थे। ठीक है, तो कल अपन ने स्टार्ट किया था कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो देखो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यानी किसकी प्रेजेंस में होगा, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जिसमें अपन ने बताया था कि ये टू टाइप्स से होता है, एक होमोजिनस और दूसरा होता है हेटेरोजिनस। एक बताया था होमोजिनस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, दूसरा था हेटेरोजिनस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब देखो, आज अपन देखेंगे होमोजिनस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। होमोजिनस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, होमोजिनस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसमें देखो एक स्पेशल रीज, ये जो कैटालिस्ट है ये पढ़ते हैं अपन विल्किंसन कैटालिस्ट। क्या नाम होता है? विल्किंसन कैटालिस्ट। ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ये एक होमोजिनस कैटालिस्ट है। देखो ये क्या होता है, कल अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि ये रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है RHCl PPS3 का होल थ्राइस, कि इसमें सेंट्रल एटम जो होता है वो क्या होता है, रोडियम होता है, एक इसमें क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ होता है और तीन इसमें ट्राइफेनिलफोस्फीन के लिगेंड होते हैं। तो ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज हो गई। तो देखो ये है क्या, सबसे पहले अपन लिखते हैं ये क्या है, रोडियम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेकंड अपन ले लें रोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है इस कॉम्प्लेक्स में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, साथ ही देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, DF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेन। ठीक है, साथ ही एक बात देख रहे हैं कि पांचवा पॉइंट की 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। अपन किसकी जनरल बातें कर रहे हैं, विल्किंसन कैटालिस्ट की, कि एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है और नॉट फॉलो EN। ठीक है, अब देखो आगे अपन देखते हैं, कल अपन ने इसकी ज्योमेट्री तक बात करी थी, आज अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, देखो मैकेनिज्म ऑफ दी विल्किंसन कैटालिस्ट। सबसे पहले अपन इसकी ज्योमेट्री बना लें, तीन PPS3 लिगेंड जोड़ने हैं अपने को, एक CN जोड़ना है। ठीक है, ये होता है विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पर होता है H2 का एडिशन। ठीक है,
तो ये जो स्टेप होगी, पहली स्टेप जब एस टू का यहां पर एडिशन होगा, ये स्टेप होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसे ऑक्सीडेटिव एडिशन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। यहां पर रोडियम हम प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखो एस टू के एडिशन से यहां पर पीपीएच 3। देखो यहां पर, देखो ये फोर कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है। अब एस टू के एडिशन से ये स्पीसीज तो बन गई सिक्स कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अब देखो यहां पर रोडियम प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां पर एस टू का एडिशन हो गया, रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन से इंक्रीज होकर कितनी हो गई? प्लस थ्री, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसीलिए इस स्टेप का नाम क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब आगे वाले स्टेप में क्या होगा कि यहां से एक पीपीएस थ्री लिगेंड का डिसोसिएशन होगा। अब देखो कौन सा पीपीएस थ्री बॉन्ड है वो यहां से टूटेगा, जो हाइड्रोजन के क्या हो, ट्रांस हो, वो वाला पीपीएस थ्री बॉन्ड है वो यहां से डिसोसिएट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो हायर होता है, तो अपन हाइड्रोजन के ट्रांस में जो पीपीएस थ्री लिगेंड जुड़ा हुआ है वो वाला बोन यहां से ब्रेक करेंगे, तो अपने पास ये स्पीसीज आएगी एच सी एल और ये हो जाएगा पीपीएस थ्री, एक पीपीएस थ्री ये हो गया और ये यहां पर आ जाएगा एच, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज बनी है ये देखो कैसी है, फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है। ये जो स्पीसीज है इसकी ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है। यहां पर ये जो तीन लिगेंड जुड़े हुए हैं एच और दो पीपीएस थ्री, ये तो एक प्लेन में होते हैं, हाइड्रोजन अबव द प्लेन होता है, क्लोरीन एटम है वो बिलो द प्लेन होता है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखो ये जो स्पीसीज है ये आगे फर्दर इसका एडिशन होता है किसके साथ? एल्कीन के साथ, ठीक है। ये जो फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज बनी है इसका किसके साथ एडिशन करवाते हैं? एल्कीन के साथ एडिशन करवाते हैं, तो देखो ये स्पीसीज बनेगी पीपीएस थ्री एच HCl और डायरेक्ट बॉन्ड डबल बॉन्ड से यहां पर अटैक होगा और ये बाइंडिंग होगी। देखो पाई बॉन्ड यानी इस एटम और इस वाले दोनों कार्बन एटम से रोडियम है वो बॉन्डिंग बना रहा है, इसे क्या कहेंगे? पाई बाइंडिंग, ओके। अब देखो आगे वाले स्टेप में यहां क्या होगा, आगे वाले स्टेप में यहां से रोडियम पर जो एक हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर किधर होगा? एल्कीन की ओर होगा, और अब जो कॉम्प्लेक्स अपने को मिलेगा उसमें एल्कीन की बाइंडिंग है वो सिग्मा बॉन्ड से होगी। ये लिख लिया अपन ने पीपीएस थ्री, ये पीपीएस थ्री, ये सीएल और ये अपने पास सीएस टू सीएस टू आर। अब देखो यहां पर बाइंडिंग हो पाई बॉन्ड से हो रही थी, यहां पर एल्कीन की बाइंडिंग हो किससे हो गई? सिग्मा बॉन्ड से। अब आगे वाले स्टेप में यहां पर क्या होगा, रिडक्टिव इलिमिनेशन होगा, यानी यहां से एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक यानी दो ग्रुप हो यहां से माइग्रेट करेंगे, ये वाला है वो माइग्रेट कहां करेगा? यहां पर, और अपने पास नेगो मिलेगा आर एच पीपीएस थ्री पीबीएस थ्री और एक रह गया सीएल, साथ में अपने को मिलेगा आर सी एस टू सी एस थ्री। देखो एल्कीन ली थी अपन ने, एल्कीन का एडिशन हुआ था और अपने पास एल्कीन से क्या हो गया?
क्या मिला अपने को, एल्केन मिली है, यानी एल्कीन का रिडक्शन किसमें हो गया, एल्केन में हो गया। अब देखो साथ ही इसमें ये एक अपने पास थ्री कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज मिली है। कैसी है? थ्री कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है, ठीक है। अब इस यहां से दो साइकिल हो सकते हैं, एक तो ये वाला कि जब यहां पर इसका एडिशन हो जाए, एक ट्राइफिनिल फॉस्फिनिल लिगेंड है यहां पर बाइंड हो जाए और अपने को क्या मिल जाए, फिर से विल्किंसन कैटालिस्ट मिल जाए और फिर से यही साइकिल है वो स्टार्ट हो जाए। या फिर दूसरा ये कि यहां से एक पीपीएस3 लिगेंड है वो रिमूव हो जाए और अपने पास ये थ्री कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज मिल जाए। अब देखो ये जो थ्री कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विल्किंसन कैटालिस्ट है इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, विल्किंसन कैटालिस्ट की एक्टिव फॉर्म क्या होती है। तो विल्किंसन कैटालिस्ट की एक्टिव फॉर्म है वो ये होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विल्किंसन कैटालिस्ट की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, तो अपन क्या बताएंगे, ये वाली जो थ्री कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज अपने को मिली है। तो फिर अब इसे एक्टिव फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो इसका जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है विथ H2, इसका जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है विथ H2, ये वाली डायरेक्ट ये मिलेगी अपने को, ऑक्सीडेटिव एडिशन विथ H2 इज 10^7 टाइम फास्टर देन दिस। ध्यान से सुनना कि ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है इसकी ये जो फॉर्म है थ्री कोऑर्डिनेटेड एक्टिव फॉर्म क्यों बता रहे हैं अपन, क्योंकि इसकी जो H2 के साथ एडिशन रिएक्शन होती है जिसे अपन कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन की जो कैपेसिटी है वो 10^7 टाइम फास्टर होती है देन दिस विल्किंसन कैटालिस्ट, इसलिए इसे विल्किंसन कैटालिस्ट की एक्टिव फॉर्म कहते हैं। फिर यहां पर H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो डायरेक्ट अपने को ये 5-membered स्क्वायर प्लेनर वाली स्पीसीज है वो मिलेगी। ओके, अब देखो अपन इसकी स्टीरियो देखते हैं, ठीक है, कि इसके कुछ स्पेशल करेक्टर हैं विल्किंसन कैटालिस्ट की रिडक्शन के स्पेशल करेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला अटैक ऑन द लेस हिंडर्ड साइड, मान लो कोई अपने को ऐसा कंपाउंड दिया हुआ हो जिसमें अनसेचुरेशन है वो एक जगह नहीं होगी कई जगह हो, तो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो उस बॉन्ड को रिड्यूस करेगा जो कैसा हो, लेस हिंडर्ड हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, अटैक ऑन लेस हिंडर्ड साइड, ठीक है। सेकंड क्या आएगा, अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, जो पोजीशन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी वहां पर अटैक होगा, अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, ठीक है। जैसे एक हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो, जो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड होगा वहां पर इसका अटैक वो पहले होगा। थर्ड पॉइंट आता है जब टर्मिनल एल्काइन और टर्मिनल एल्कीन दोनों अपने पास दिए हुए हो, जब अपने पास टर्मिनल एल्काइन और टर्मिनल एल्कीन दोनों गिवन हो, तो उस कंडीशन में जो विल्किंसन कैटालिस्ट हो मोर प्रिफर किसको करेगा, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। अब देखो इसका एक ऑर्डर अपन देखते हैं, ये होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, उसके बाद ये होगी, ये होगी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब यहां पर देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड में एक होता है अपन ले ले सिस और एक होता है ट्रांस, तो सिस और ट्रांस में ये ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने पास सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन दोनों हो तो विल्किंसन कैटालिस्ट किसको प्रिफर करेगा, सिस को पहले रिड्यूस करेगा फिर ट्रांस से, ठीक है।
तो सिस एल्किन और ट्रांस एल्किन दोनों हो तो विल्किंसन कैटालिस्ट से कौन रिड्यूस होगा? सिस एल्किन। ओके, फिर ये हो जाएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और अभी अभी ऊपर अपन ने बताया कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा ये लेटरा सब्स्टिट्यूटेड, तो इसकी जो पावर है वो सबसे कम। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ये ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो जैसे अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये जैसे ये कोई अपन ने एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है यहां पर, देखो यहां पर अपन ने एस टू ले लिया, विल्किंसन कैटालिस्ट है, ठीक है, ये रहा आरएचसीएल बीपीएससी का ऑथराइज बेंजीन लिया साथ में। तो देखो अभी अपन ने ऊपर देखा था एच टू है वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। एच टू कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। इस वजह से ये जो एडिशन देगा वो कैसा देगा? सिन या अपन कह दे सिस एडिशन है वो देगा। तो इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में से विल्किंसन कैटालिस्ट से कौन सा रिड्यूस होगा? देखो ये और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये वो डाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, यानी ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अभी अपन ने क्या देखा था इसकी स्पेशल करेक्टर में कि विल्किंसन कैटालिस्ट है वो अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजिशन। तो इन दोनों डबल बॉन्ड में से ले सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? ये वाला। तो विल्किंसन कैटालिस्ट से ये डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होगा। और एच टू का एडिशन कैसा होगा? सिन या कहते सिस। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एग्जांपल्स को कर सकते हैं। आगे जैसे ये एग्जांपल और ले लें अपन, यहां पर भी क्या है कि यहां पर एक तो देखो ये है, ये डबल बॉन्ड है, इसके डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है, एक डबल बॉन्ड है वो ये है। यहां पर इनमें से अपन कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस कराए? वो विल्किंसन कैटालिस्ट है। देखो जो कॉन्जुगेशन में होता है वो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं होता है, तो यहां पर डबल बॉन्ड कौन सा रिड्यूस हो रहा है? ये वाला। ओके, साथ में अपन इसको ये भी देख लें। तो यहां पर देखो ये तो क्या है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? ये वाला। ओके, जैसे ये वाला है, यहां पर भी क्या है? ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि ये कैसा है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, और साथ में ये कॉन्जुगेशन में भी है, तो कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? ये वाला डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है, आप कर लेना, मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है। यहां पर देखो अपन ने ये एग्जांपल लिया है, यहां पर ये इसकी एक्सियल पोजीशन है, वो इधर है वो इक्विटोरियल पोजीशन है। तो ये एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन से मोर स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है, इसलिए जो विल्किंसन कैटालिस्ट है इसका अटैक किधर से होगा? लेस हिंडर्ड साइड से। लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है? इक्विटोरियल, इसलिए इसका अटैक वो इधर से होगा और अपने पास प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। ठीक है, आगे इसकी और एप्लीकेशन है डीकार्बोनाइजेशन, यानी लॉस ऑफ सीओ। जैसे एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड बेंजीन सॉल्वेंट और विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यहां से क्या होगा? इसका डीकार्बोनाइजेशन होगा और अपने पास क्या मिलेंगे? एल्केन मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो यहां पर अपने को क्या करवाना है? डीकार्बोनाइजेशन करवाना है, सीओ यहां से निकल जाएगा और क्या मिलेगा? बेंजीन। ये जैसे एसिड क्लोराइड है RCOCl, यहां पर भी क्या करवाना है अपने को? डीकार्बोनाइजेशन करवाना है, सीओ यहां से रिलीज हो जाएगा और अपने को मिलेंगे एल्किल हैलाइड। ये कोई एरोमेटिक एसिड हैलाइड है C6H5COCl, विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इनका क्या होता है? एल्डिहाइड और एसिल हैलाइड्स का डीकार्बोनाइजेशन और अपने को एल्किल या एल्किल हैलाइड वो मिलेंगे। आगे वाली एप्लीकेशन इसकी आती है डीसल्फोनाइजेशन। डीसल्फोनाइजेशन आज SOCl विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यहां से क्या निकल जाएगा? SO और अपने पास मिलेगा वो एल्किल हैलाइड। अब देखो आगे अपन देखते हैं इसकी मिसेलेनियस बिहेवियर ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट। इसमें देखो सबसे पहला आपने लिखा है इन द केस ऑफ 1,3-butadiene, 1,3-butadiene कैसी डाइन है? कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो यहां पर क्या होगा? 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी टेक्स प्लेस। अगर 1,3-butadiene है तो यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन कहां होगा? 1,4 पोजिशन पे।
देखो 1,3-butadiene है, कॉन्जुगेटेड डाइन है, कैसी है? कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में है, तो 1,3-butadiene ध्यान रखना है विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। यहां पर जो हाइड्रोजन का एडिशन होना है वो कौन सी पोजीशन पे होगा? 1 और 4 पोजीशन पे होगा, डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा? 2, 3 पोजीशन पे। तो ये कैसा एडिशन है H2 का? 1, 4 एडिशन। तो 1,3-butadiene कॉन्जुगेटेड जो डाइन है उसमें H2 का जो एडिशन है वो कहां होगा? 1, 4 पोजीशन पे। क्या होगा? 1, 4 एडिशन। ओके, ऐसे ही देखो ये वाली है, ये साइक्लिक फॉर्म में है लेकिन वैसे है क्या? 1,3-butadiene जैसी दिख रही है, वो विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अपने को H2 का एडिशन कराना है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 पोजीशन ये और ये, डबल बॉन्ड कहां बन जाएगा? यहां ये रहा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का एडिशन 1 और 4 पोजीशन पे हुआ। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है, इफ इन द मॉलिक्यूल बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, यदि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, देन हाइड्रोजिनेशन विल बी टेक्स प्लेस एट द ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रोजिनेशन है वो विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कहां पर होगा? ट्रिपल बॉन्ड पर होगा। एप्लीकेशन याद रह जाएगी, अगर मॉलिक्यूल में अपने पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दे रखे हो तो हाइड्रोजन का एडिशन कहां पर होगा? ट्रिपल बॉन्ड पर होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है वो रिड्यूस होगा, क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, से एग्जाम्पल ये रहा, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस कौन हो रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, देखो अनकॉन्जुगेटेड डाइन्स आर आल्सो आइसोमराइज्ड इनटू कॉन्जुगेटेड डाइन। ये यहां पर बेंजीन रिंग पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये यहां पर अपन इसका क्या करवा रहे हैं? बस रिडक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो ये डबल बॉन्ड यहां और यहां, ये बस रिडक्शन में देखेंगे अपन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो कैसे रिडक्शन होगा? बस रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हो तो बस रिडक्शन की मैकेनिज्म वो क्या होगी? फिर इसका अपन विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड है अनकॉन्जुगेशन में है, तो विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे? ये कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। तो ये क्या अपन ने, अनकॉन्जुगेटेड डाइन आर आल्सो आइसोमराइज इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट इनटू कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है,